हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदन वाजपेयी, आप देख रहे हैं टेक फॉर नेट। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि भाई, मतलब कन्फ्यूज़न क्या, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है 1000 और 4000 वाला। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम। अब उनकी समस्या ये है कि ये क्राइटेरिया पूरा नहीं है, फिर भी उनके चैनल पर जब वो लोग किसी और के मोबाइल से या लैपटॉप से अपने ही चैनल को देखते हैं तो उनके कुछ वीडियोस में ऐड दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा, और होता भी है या नहीं होता। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मोनेटाइजेशन जब ऑन होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल में आपको साफ दिखाता हूँ कि भाई अकाउंट डिसेबल, मोनेटाइजेशन डिसेबल पड़ा हुआ है। लेकिन फिर साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बीटा वर्जन पे, यूट्यूब के बीटा वर्जन पे आपको डायरेक्ट जो है मतलब आपको जब ये नहीं मालूम है, जब आप क्लासिक वर्जन यूज़ करते थे तो अभी तक आपको ये नहीं पता होता था कि उन लोगों को जिनका मोनेटाइजेशन डिसेबल है तो उनको वजह नहीं मालूम होती थी कि किस वजह से जो ऐसा है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा बीटा वर्जन पे कि वो वजह किस तरह से आपको सामने प्रॉब्लम जो है वो रीज़न भी आपके सामने आएगा। तो बने रहिए इस ट्यूटोरियल पर, आगे आपको दिखाता हूँ, आइए लैपटॉप पर दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं इस वक्त आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर के आ गया हूँ। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको, बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए और अपना चैनल इस तरीके से खोल लीजिए। मैं यहाँ पर अपना चैनल जो है हमारे एक मिलने वाले सब्सक्राइबर का ये चैनल है, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ पर दूर कर रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम। फ़िलहाल इस वीडियो में उनकी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, इस वीडियो के ज़रिए तो मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि आपको जो है किस तरह से ये पता हो सकता है कि आपका एडसेंस अकाउंट किस तरह क्यों डिसेबल किया गया। तो चलिए कस्टमाइज चैनल पर आकर के क्रिएटिव स्टूडियो इसका खोल लेते हैं, और यहाँ पर आकर के क्रिएटर स्टूडियो इनका ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए, ये बीटा वर्जन खुला है। अब यहीं पर लोगों को समस्या होती है कि उनको अभी तक, जैसे मान लीजिए मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि क्लासिक वर्जन पर जब वो लोग बैठे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लासिक वर्जन खोल लेता हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए, जैसे ही चैनल पर आते थे आप लोग अभी तक, तो आपके सामने ये पेज आ जाता था। ठीक है, और जब आप मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाते थे तो यहाँ मोनेटाइजेशन के बारे में सब लिखा होता था, बस इतना ही लिखा होता था, या मोनेटाइजेशन डिसेबल है या इनेबल है या क्या है। ठीक है, लर्न मोर पे अब आप आते हो तो जिनका मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं है, रिव्यू में है, तो उनको जो है वो क्राइटेरिया वाला पेज खुल करके आता था, और जिनका डिसेबल है उनको कुछ और ही जो है इस तरीके का कुछ खुल करके आता है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं समझ में आती क्या है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। चलिए बैक कर लेते हैं इसको बीटा वर्जन पे, और फिर उसके बाद आपको ये देखिए ट्राई स्टूडियो बीटा। अब बीटा वर्जन पर आने के बाद आपको करना ये है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डैशबोर्ड ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको स्क्रॉलिंग करेंगे आप, अदर फीचर पर जाएंगे, अदर फीचर पर साफ दे रखा है मोनेटाइजेशन। ये तो मोनेटाइजेशन का इन्होंने बीटा वर्जन क्यों अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों को क्लासिक वर्जन बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बीटा वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ ज़रूर है फीचर्स, इसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं, लेकिन सबका मतलब ही बेहतर बना दिया है, अलग अलग सबको, सबका सेक्शन ही अलग दे दिया। मोनेटाइजेशन से संबंधित कुछ भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लिक करेंगे इसको सामने प्रॉब्लम लिख करके आ जाती है। ठीक है, कोई भी आपको ऊपर यहाँ पर, कुछ लोग बताते हैं यहाँ पर अकाउंट अंडरस्कोर मोनेटाइजेशन करने का ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी लगा हुआ यहाँ पर सामने आ जाता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन हैज़ बीन डिसेबल्ड ऑन योर अकाउंट, वी हैव डिटेक्टेड दैट योर एडसेंस एप्लीकेशन वाज डिसअप्रूव्ड। तो कुछ इनके चैनल पर प्रॉब्लम है, इनका जो एडसेंस अकाउंट है वो किसी जरिए जो है डिसअप्रूव्ड पड़ा हुआ है। तो अब इनके पास एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं एक समस्या आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इनके चैनल पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इनका ये कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है,
और ये वीडियोस, इनका जो ये वीडियोस है, ठीक है, अब ये वीडियो जो इनका है, एक मिनट, ये नहीं है, वीडियोस पर आता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो है, ठीक है, इस पर इनके जो है अच्छे खासे व्यू हैं। अब समस्या ये है कि इनका कहना है कि जब मैं ये वीडियो किसी और चैनल पर जा कर के खोलता हूँ या किसी और के मोबाइल से या लैपटॉप से खोलता हूँ तो इस पर ऐड आता है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनका मोनेटाइजेशन डिसेबल भी है और इस वीडियो पर ऐड क्यों आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको भी बता दूँ, इनको भी बता दूँ कि इनके इस वीडियो पर जो ऐड आ रहा है वो उसकी वजह ये है कि ये वीडियो इनका जो है इन पर इस पर जो है कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है। इन्होंने कुछ कंटेंट किसी और का यूज कर लिया इस वीडियो पर तो उसकी वजह से इस पर ऐड आ रहा है। अब वो ऐड इसलिए आ रहा है क्योंकि जिसका भी कंटेंट इन्होंने यूज़ किया है तो उस बंदे ने मोनेटाइजेशन इसका ले लिया, यानी कि ऑन करवा दिया है। होता क्या दोस्तों, जब भी हम किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं तो जो ऑनर होता है उसको ये राइट्स होते हैं पहले से ही, क्योंकि उसने उसको वो यूट्यूब ने उसको कंटेंट आईडी दे रखी होती है तो उसका पूरा राइट्स बनता है। तो अब मैं आपको जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इनका, मतलब जिसमें वो ऑनर ने जो है मतलब ये बोला है, बोला क्या उसने जो है ये दिखाया है कि मतलब उसने किस तरीके से जो है उसको मोनेटाइज कर रखा है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया कैमरा, अगस्त, यहाँ, ये देखिए। तो इसको आप देखिए, इसमें आपको जो है साफ साफ नज़र आएगा, ये देखिए दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो कि ऑनर ने इसे कॉपीराइट मतलब क्लेम ले रखा है, मोनेटाइज कर रखा है। एड्स माइट अपीयर ऑन योर वीडियो, आप देख रहे हो, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट वाज फाउंड इन योर वीडियो, द क्लेमिस्ट इज अलाउंग देयर कंटेंट टू बी यूज्ड इन यूट्यूब वीडियो। अब जो है यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि इसको ऑनर ने ही मोनेटाइज कर रखा है, ठीक है। मोनेटाइज नीचे लिखा हुआ मोनेटाइजेशन, इस पर देखिए मोनेटाइज बाई क्लेमेंट, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये होता है दोस्तों कि अगर आपका क्राइटेरिया नहीं भी पूरा है लेकिन फिर भी जो ऑनर्स होता है जिसका वो कंटेंट होता है, अगर उस किसी का भी कंटेंट आपने यूज़ कर रखा अपने वीडियो पर तो उसको वो जो है मोनेटाइज करवा सकता है यूट्यूब से, उसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली उसको मिलेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाया जाए। अब ये काफ़ी सज्जन ये परेशान हैं, इनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है इनके चैनल पर, इनका ये वीडियो भी जो है अच्छा खासा व्यू इनको मिला हुआ है लेकिन इसका रेवेन्यू वगैरह जो है किसी और को जा रहा है, कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है, कंटेंट क्लेम है इस पर। इस तरीके के जो है बहुत सी प्रॉब्लम लोगों के पास मतलब हुई हैं लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बता रहे हैं तो उसको मान भी लेना चाहिए। कुछ अच्छे चैनल्स हैं इसको अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बता भी रहे हैं आपको, तो आपको मानना भी चाहिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे चैनल की तरफ। अब इसको देखिए, मैं कस्टमाइज चैनल पर आकर के आपको जो है दिखाता हूँ कुछ ये कहाँ गया, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। मैं क्रिएटर स्टूडियो पहले खोल लेता हूँ और ये देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर बीटा वर्जन में आपको क्या करना है, स्टेटस एंड फीचर्स पे आना है, अदर पे, और यहाँ आप देखोगे ये देखिए, ठीक है, इस पर लर्न मोर जो दिया हुआ है मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पर ये पेज पर जो है ये बता रहा है हमको कि मतलब ये प्रॉब्लम्स है। और अब यहाँ पहले आप आते थे इस जगह पर तो आपको यही दिखाता था, यहाँ पर शो करता था, लेकिन बीटा वर्जन में एक चीज़ अच्छी कर दी कि आपको जो है डायरेक्ट ही हर चीज़ का एक नया सेक्शन बना दिया है,
तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और जानकारी के साथ। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, तो मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था मेरा जो है ट्यूटोरियल। थैंक यू, बाय।